वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। अमेरिका और सऊदी के बीच में खटपट जारी है और इस खटपट की कई वजह हैं। अब इन सब के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी जा सकते हैं। अब ये उस बीच हो रहा है जब तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और ये उस बीच हो रहा है जब अमेरिका ने लगातार सऊदी में मारे गए पत्रकार के मामले को लेकर खूब उछाला और सऊदी की सरकार को घेरा। अब देखना ये होगा कि जब ये मुलाकात होगी और इसके अलावा जो बाइडेन जब सऊदी पहुंचेंगे तो क्या बात होंगी और क्या चीजें तय होंगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इन सब के बीच आपको इस दौरे को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे देते हैं। तेल की बढ़ती कीमतें अमेरिकी राष्ट्रपति की डेमोक्रेटिक पार्टी के भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रही हैं, जिसे देखते हुए जो बाइडेन ने एक अहम फैसला लिया। सऊदी अरब के जिस क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान को पत्रकार जमाल की हत्या के लिए जिम्मेदार मानते हैं और जिनसे फोन पर भी बात करने से बाइडेन ने इनकार कर दिया था, अब वो उनसे मिलने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने के अंत में नाटो और G7 देशों की बैठक के सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वो सऊदी अरब की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी इस यात्रा के दौरान बाइडेन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे। जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद से सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे हैं और खाड़ी देश रूस का करीबी होता जा रहा है। बाइडेन सऊदी अरब को खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड्स के लिए निशाना बनाते रहे हैं। सऊदी पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या के लिए बाइडेन प्रिंस सलमान को दोषी मानते हैं। बाइडेन प्रशासन ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी जिसमें पत्रकार जमाल की हत्या के लिए प्रिंस सलमान को जिम्मेदार बताया गया था। बाइडेन के सत्ता में आने के बाद ही राष्ट्रपति कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका केवल सऊदी के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज से ही वार्ता करेगी। इस बीच उनकी सरकार ने सऊदी अरब से कई बार अपील की कि वो कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाए जिससे तेल की कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके, लेकिन सऊदी अरब किसी तरह के दबाव में आने को तैयार नहीं है। तेल की कीमतों को कम करने के दबाव को झेल रहे बाइडेन अब सऊदी अरब को लेकर अपने रुख में बदलाव की जरूरत को महसूस कर रहे हैं और संभवतः लग रहा है कि सऊदी के साथ उनकी बातचीत भी बदलाव के साथ आगे बढ़े। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी ने पहले कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने से मना कर दिया था, लेकिन अपने पश्चिमी सहयोगियों को सऊदी ने संकेत दिया कि वो कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा सकता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एशियाई कारोबार में तेल $113 प्रति बैरल के नीचे गिर गया। तेल की कीमत में ये कमी तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की मासिक बैठक से पहले हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में सदस्य देश जुलाई के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में मामूली बढ़ोतरी कर सकते हैं। खैर, सऊदी और अमेरिका के बीच का विवाद सिर्फ इतना भर नहीं है। सऊदी का रूस की तरफ जाना और इसके अलावा रूस का ओपेक प्लस से बाहर ना होना भी अमेरिका के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि रशिया पर दबाव बढ़ाया जाए और दबाव बढ़ाने के लिए वो चाहता है कि सऊदी और यूएई जैसे देश उसका समर्थन करें और ओपेक प्लस से रशिया को बाहर खदेड़ दें। हालांकि सऊदी हो या यूएई हो, कई बार कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि वो ओपेक प्लस को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा नहीं बनने देंगे, उसके अपने सैद्धांतिक मूल हैं और उसको ध्यान में रखते हुए ही इसे गठित किया गया है और इसे लेकर कोई भी कठोर फैसला रशिया के खिलाफ नहीं लिया जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका चाहता है कि इस रुख में बदलाव आए और बदलाव आने के लिए जरूरी है कि बातचीत को स्थापित किया जाए और हो सकता है उसके लिए ये दौरा भी हो रहा हो। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।